हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज ही एप्पल का एक लैपटॉप आया है जिसका मॉडल होता है A2337। मॉडल हम कहाँ से देखते हैं? मॉडल हमारे बॉटम पे लिखा रहता है, आपको वहाँ पे नजर नहीं आएगा बहुत ध्यान से देखने पे। यहाँ पे बॉटम पे कुछ लिखा रहता है जिसमें हमारा मॉडल भी लिखा है A2337। तो हम बात करते हैं इस लैपटॉप की। आजकल मार्केट में एप्पल का ये वाली सीरीज बहुत आ रही है मार्केट में, A2337। ये आप चाहो तो पुराना भी मिल जाता है, जो पुराना मॉडल इसका 2022 का मैन्युफैक्चर है शायद 22 या 21 का, तो वो भी अभी मार्केट में है। और ये नया भी अभी लॉन्च किया है इसका, जो अभी 2023 मॉडल इसका आया है अभी मार्केट में, एप्पल का ये वाला मॉडल बहुत बिक रहा है। तो हम इसकी यदि बात करें कि ये लैपटॉप कैसा होता है, लैपटॉप बहुत अच्छा होता है, ये तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। छोटा है, 13 इंच में है, रेटिना डिस्प्ले है, 8 GB रैम है, 128 GB स्टोरेज के साथ ये आता है। तो हम अपना देखते हैं कि हमारा कितने स्टोरेज के साथ है, हमारे में कितना स्टोरेज जो ये अभी कस्टमर लेके आए हैं हमारे पास, इसमें एमएस ऑफिस कराने के लिए लेके आए हैं कि इसमें एमएस ऑफिस कराना है, वहां से कंपनी से नहीं आया तो हमें इसमें एमएस ऑफिस इंस्टॉल करना है। तो हमने समझा कि अब इसमें हम आपको बता दें कि ये लैपटॉप कैसा होता है, ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उसमें हम पासवर्ड डाल के एक बार देखते हैं कि हमारा इसमें कितना कॉन्फिगरेशन, क्या इसकी क्या कॉन्फिगरेशन है, वही हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हम आपको दिखाते हैं कि हम इसमें कैसे इसका अबाउट चेक करेंगे कि इसके बारे में इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन है और क्या नहीं है, वो हम इसमें आपको दिखाते हैं। अबाउट दिस पीसी में जाएंगे, दिस मैक, उसके बारे में ये यहाँ पे आपको दिखेगा। 8 GB मेमोरी है इसमें, इसका जो है ये जो इसमें डला हुआ है एम मैक ओएस जो है ये आपको दिख रहा है कि वेंचुरा 13.3। और अब इसकी हम और ज्यादा डिटेल की बात करते हैं और इन्फो में जाते हैं तो उसके बारे में हम पता करते हैं। ये है हमारा M1, 8 GB रैम है। और इसकी हम स्टोरेज की यदि बात करें, स्टोरेज में हम यदि जाएं तो स्टोरेज देख लेते हैं कितना है। डिस्प्ले जो है इसमें 13.13 इंच का है, रेटिना डिस्प्ले है जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये रेटिना डिस्प्ले है इसमें। तो और हम आप जाते हैं इसके आपके ये सिग्नल वगैरह, वाईफाई वगैरह बहुत अच्छा है, ब्लूटूथ है, नेटवर्क है, ये सारी चीजें इसमें जो है पूरी कॉन्फ़िगरेशन हम आपको इसमें दिखा देते हैं। अब हम स्टोरेज की जो बात करें इसमें जाते हैं हम आपका, इसमें ये देखोगे 256 GB SSD के साथ है, ये यहाँ पे आप देखोगे 217 अवेलेबल है, 245 GB वही आपको मिलता है। तो ये 256 के साथ आया हुआ लेटेस्ट मॉडल है, 8 GB रैम है, 256 GB SSD है, M1 ये है इसका जो मॉडल है, M1 सीरीज ये होती है इसकी एप्पल की। तो इसमें ये 2337 मॉडल जो हम ओवरऑल बात करें, वैसे तो नो डाउट कि एप्पल अच्छे लैपटॉप होते हैं, जो आजकल लैपटॉप का मॉडल आ रहा है 2337 जो हमने ऑब्जर्व किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ले सकते हैं। अच्छी स्पीड वगैरह होती है नॉर्मल काम, ग्राफिक काम के लिए आपको पता ही है, ग्राफिक वगैरह के काम के लिए अब ये 256 GB SSD पे काम ठीक ठाक हो जाता है। और तो जब हम ज्यादा हैवी काम करते हैं किसी चीज का, जैसे वर्ड आपका ये कोई डिजाइन वगैरह का काम करते हैं, तो उसमें हमें बड़ा इसको एक्सटर्नल लगाना ही पड़ेगा, कि आपको भी पता है कि स्टोरेज इतना एप्पल नहीं प्रोवाइड कराते हैं, हमें स्टोरेज जो लेना पड़ता है वो एक्सटर्नल पे ही लेना पड़ता है। काम की यदि हम बात करें, रेटिना डिस्प्ले है, नो डाउट बहुत अच्छा डिस्प्ले होता है, विजुअलिटी बहुत अच्छी होती है एप्पल में। एप्पल में ये लैपटॉप अब जो ओवर अपग्रेड करके भी 15 इंच में मॉडल आता है, A1990 आ रहा है, वो भी सेम इसी की M1 सीरीज का ही है, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, 15 इंच में साइज आ जाता है, ग्राफिक के काम के लिए वो अच्छा होता है। ये बेसिक काम के लिए आप वर्ड, एक्सेल, पीडीएफ, ऑफिशियली जो काम होते हैं उसमें आप यदि यूज करें तो 2337 बहुत अच्छा मॉडल है, एप्पल M1 A2337। और इसकी एक चीज हम जो आपको सजेस्ट करना चाहते हैं, जो हमने ऑब्जर्व किया है अपने कैरियर में, वो ये किया है कि इनकी स्क्रीन बहुत ज्यादा ब्रेक होती है, इसका आप ध्यान रखें, इसको थोड़े हिफाजत से यदि हम रख के चलाएं तो एप्पल लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बस हमें थोड़ा सा जो हमने एक्सपीरियंस किया है, A2337 की स्क्रीन बहुत ज्यादा टूटती है, वो इसका ग्लास की वजह से या किस वजह से ये हम नहीं कह सकते, कुछ हमने जो ऑब्जर्व किया वो मिस हैंडलिंग हो जाती है कि उसकी वजह से स्क्रीन टूट जाती है, मिस हैंडलिंग की वजह से। तो आप इन चीजों से बचें, मिस हैंडलिंग से एप्पल के लैपटॉप को बहुत अच्छे से हैंडल करके रखें, तरीके से चलाएं तो कोई दिक्कत नहीं आती है एप्पल लैपटॉप में। और एप्पल लैपटॉप का परफॉर्मेंस का जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उसमें आप यूज कर सकते हैं। और एक बात और है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, आपको एप्पल में कोई प्रॉब्लम आ रही है या एप्पल लैपटॉप आपको खरीदना है तो क्या कॉन्फ़िगरेशन खरीद सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।